सर किस तरह की तैयारियां हैं मैच को लेकर के, उस विषय में थोड़ा बताएं, और क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस कितनी मंगवाई हैं? 14 अक्टूबर को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ अहमदाबाद में खेला जाने वाला है, उसके लिए अहमदाबाद पुलिस की तरफ से काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं। कुल जो बंदोबस्त है क्रिकेट का, जो बंदोबस्त है ट्रैफिक बंदोबस्त और कम्युनल पॉइंट्स पे हमने एक्स्ट्रा बंदोबस्त रखा है, उसके लिए 7,000 से ऊपर पुलिस फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा 4,000 होमगार्ड भी हम उपयोग कर रहे हैं, जिसमें 4 तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर हैं, 21 DCP रैंक के हैं और बाकी अन्य रैंक्स के हैं। कुल 7,000 से ऊपर की पुलिस फोर्स पूरे बंदोबस्त में कम्युनल पॉइंट्स और सब मिला के तैयार रह के रहेगी। इसके अलावा हमने NDRF और SDRF की टीम्स के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो थ्रेट हैं उसको भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा NSG की बॉम्ब डिस्पोजल की टीम, NSG की हिट टीम है जो स्ट्राइकिंग तुरंत कर सकती हैं, एंटी ड्रोन टीम उसके लिए भी हमको मिलेंगी वो। उसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की भी 9 टीमें हैं। इसके अलावा स्नीफर डॉग्स वगैरह हमारे पास हैं। तो कुल मिला के हमारी जो बंदोबस्त की तैयारियां हैं वो सभी तरह से पूरी हो चुकी हैं, और इसमें मैं कह सकता हूँ कुछ इसके अलावा कुछ थ्रेट भी, जैसे लोग मेल से कुछ आ रही हैं उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस अहमदाबाद की पूरी तरह से सुसज्जित है।